नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कहलगांव में मुखिया ने भाजपा नेता सह वार्ड सचिव की गोली मारकर की हत्या, घटना की जांच में जुटी पुलिस। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा, जिले के 14 प्रखंडों में घुसा बाढ़ का पानी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की मनाई गई 112वीं जयंती, पुष्प अर्पित कर किया नमन। आठ सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, स्वास्थ्य सेवा रही बाधित, मरीज रहे परेशान। और बार डांसर के साथ ठुमके लगाते वार्ड पार्षद का वीडियो हुआ वायरल, नगर निगम में राजनीति हुई तेज। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर कहलगांव के अमडंडा थाना क्षेत्र के मदारगंज में भाजपा नेता सह वार्ड सचिव ललन सिंह की मुखिया ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने मुखिया पर घर से बुलाकर गोली मारने का आरोप लगाया है। रविवार की रात अमडंडा पुलिस मदारगंज गांव पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगे। तभी परिजनों ने SP को घटनास्थल पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। मृतक की पत्नी ने कहा कि मदारगंज के मुखिया राजेश कुमार उर्फ पप्पू सिंह ने रविवार की शाम घर पर बुलाया था, जहाँ खाने पीने के दौरान मुखिया और उनके सहयोगियों ने घर में ही गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद मुखिया अपने गाड़ी से गंभीर अवस्था में घायल वार्ड सचिव को अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसी दौरान ग्रामीणों और परिजन को मुखिया द्वारा हत्या किए जाने की सूचना मिलते ही मुखिया के घर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना के बाद मुखिया अपने परिवार वाले के साथ फरार हो गया। देर रात हंगामा होने के बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने मुखिया की गाड़ी से 4 कारतूस बरामद किया है। हालांकि अब तक घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने अमडंडा थाना में मुखिया और उसके सहयोगियों पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। फिर 8:30 बजे रात तो दो बार फायरिंग हुआ। हम लोग सोचे कि इधर यानी कि 9 बजते इसको फिर दो गोली मार दी। गली तो आग पूरा आने की बात है, झोंक से बोल रहा था कि हम मां बने बचू। तो मेरा गोतनी का बेटी मतलब वो अपने हस्बैंड से बात कर रहे थे तो बोला कि चाची लगे छहरा बाद चाचा कहे कि हम मां बनाए बचवी। पुलिस को थाना शादी को करे कर रही अभी कांड कर कर बेटा दारू पिए लेकरे कर रही रखे दिन रिटायर्ड पुलिस। गंगा नदी और कोसी ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जिले के 16 प्रखंडों में 14 प्रखंड बाढ़ की चपेट में आकर जलमग्न हो गया है। नौगछिया, नारायणपुर, गोपालपुर, इस्माइलपुर, कहलगांव, सबौर, सुल्तानगंज, पिरपैथी, नाथनगर प्रखंड में बाढ़ का कहर जारी है। इन सभी प्रखंडों की सहायक नदियां भी उफान पर है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के बीच अब तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है और ना ही कोई राहत शिविर जिला प्रशासन की ओर से लगाए गए हैं। सभी बाढ़ पीड़ित अपने अपने मवेशियों को लेकर सड़क और बांध पर शरण लेने को भी है। बाढ़ के कारण कई प्रखंडों में भीषण कटाव भी जारी है। नौगछिया SDO मुकेश कुमार और SDPO प्रवेंद्र भारती बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर आवश्यक सामान बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटने का निर्देश दे रहे हैं। वहीं भागलपुर कहलगांव NH-80 पर मसारू पुल के पास बना डायवर्सन रिसाव के कारण ध्वस्त हो गया, जिससे आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। NH-80 के दोनों ओर वाहनों की रफ्तार थम गई है, साथ ही लोगों का पैदल आवागमन भी बाधित हो गया, जिसके कारण आम लोग भी काफी परेशान है। वहीं NH के पदाधिकारी ध्वस्त हुए डायवर्सन सड़क के जल्द निर्माण कर यातायात व्यवस्था शुरू करने की बात कह रहे हैं। गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PG महिला छात्रावास समेत लालबाग परिसर, कुलपति, प्रति कुलपति और DSW आवास में बाढ़ का पानी घुस गया है। सोमवार को गंगा के जल स्तर में वृद्धि के कारण विश्वविद्यालय सीनेट हॉल के सामने बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। बाढ़ के पानी के कारण यूनिवर्सिटी आने वाले कर्मियों और छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। वहीं आदमपुर CMS स्कूल परिसर में भी बाढ़ का पानी जमा हो गया है, जबकि मानिक सरकार घाट रोड में बसे कुछ घरों में बाढ़ का पानी आ गया है। इधर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्थित टिल्हा कोठी में बाढ़ पीड़ित खंबा खूटी गाड़ कर रह रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि पिछले 10 दिनों से बाढ़ के कारण शंकरपुर, दिलदारपुर समेत कई दियारा क्षेत्र के ग्रामीण परेशान है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई राहत सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं सुविधा के नाम पर टिल्हा कोठी में पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया है, साथ ही नगर निगम की ओर से पूर्ति की व्यवस्था टैंकर के जरिए की जा रही है। हम लोग के सर 11-12 दिन होने लगा, कोई चीज की अभी तक व्यवस्था नहीं है। एक तो यही चीज है कि खाली एक तो बिजली दे दिया, बाकी अभी तक कोई चीज सुनवा नहीं। हम लोग को यही है कि घर द्वार सब टोटल चीज भांस गया है।
इसलिए हम लोग पिल्हा कोठी पर आकर के हम लोग स्थायित हुए हैं और सारे संपत्ति तो भंसिए गया। खाने के लिए कोई चीज नहीं है, न बर्तन है, न कपड़ा है, न हरेक चीज भंस गया। हम छप्पर के ऊपर से पानी जा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। 10 रोज से हम लोग भंस रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं हम लोग को मिल रहा है, नहीं कुछ दे रहा है, खाना पीना कुछ कहीं नहीं, एगो सिर्फ एगो पानी आता है और कुछ नहीं आता है, और कोई व्यवस्था नहीं, नहीं पंडित मिल रहा है, नहीं खाना मिल रहा है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 112वीं जयंती सोमवार को मनाई गई। दरअसल दिनकर ने जन चेतना की कविताएं लिखी है जिन्हें आज भी दोहराया जाता है। दिनकर की चर्चित कविताओं में से एक है सिंहासन खाली करो की जनता आती है। वहीं दिनकर की जयंती पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के दिनकर परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर पीजी हिंदी विभाग की ओर से माल्यार्पण किया गया। मौके पर मानविकी संकाय के डीन प्रोफेसर बहादुर मिश्रा, DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद कुमार, डॉक्टर मधुसूदन, प्रोफेसर परशुराम सिंह समेत छात्र छात्राओं ने राष्ट्रकवि की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान हिंदी साहित्य में दिनकर के योगदान को याद किया गया। दरअसल राष्ट्रकवि दिनकर TMBU के 6ठे कुलपति भी रहे थे। मौके पर सुबोध चौधरी, छोटे लाल यादव, मनीष सुदर्शन समेत कई कर्मी और छात्र छात्रा मौजूद थे। दिनकर जी हमारे बीच के महत्वपूर्ण कवि हैं और उत्तर छायावाद के दौर में जो राष्ट्रवाद था, उस राष्ट्रवाद से जुड़े जो और लोग थे, नेपाली जी थे, दिनकर जी थे, तो उन्हें याद करना एक दायित्व है हमारा। अपनी विरासत को सहेजना जैसे किया जाता है, एक वैसा ही दायित्व है कि हम अपनी विरासत को सहेज रहे हैं, याद कर रहे हैं कि हमारे पहले जो लोग हुए उन लोगों ने क्या क्या किया हिंदी साहित्य के लिए, समाज के लिए, जीवन के लिए, और इसी रूप में हम उन्हें याद कर रहे हैं आज। दिनकर जी ने स्वयं लिखा है कई निबंधों में और अपनी डायरी में भी कि मैं जीवन भर कार्ल मार्क्स और गांधी के बीच, इकबाल और गांधी के बीच, लाल और उजले के बीच मैं द्वंद्व में झूमता रहा और आखिरकार मैं गांधी जी की तरफ झुका, लेकिन मैंने उनके अहिंसा को उतना तवज्जो नहीं दिया, लेकिन बाद में फिर महसूस किया इस देश के लिए गांधी एकमात्र चारा है। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने सोमवार को अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। हड़ताल के कारण OPD, इंडोर और इमरजेंसी सेवा भी प्रभावित रही। सबसे ज्यादा परेशानी दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को हुई। इलाज के अभाव में मरीज दिन भर इधर उधर भटकते रहे। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विश्वज्योति ने कहा कि हड़ताल का निर्णय 8 सूत्री मांगों को लेकर JDA बिहार की बैठक में लिया गया है। मांग पूरी नहीं होने तक मायागंज अस्पताल सहित बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज सा अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। वहीं सरकार से वार्ता होने के बाद जूनियर डॉक्टरों ने सोमवार को मांग पूरी होने पर हड़ताल वापस ले लिया है। भागलपुर मायागंज अस्पताल के JDA अध्यक्ष डॉक्टर विश्वज्योति ने कहा कि डेंगू और वार को देखते हुए हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया गया है। साथ ही डॉक्टर विश्वज्योति ने कहा कि जनहित को देखते हुए अस्पताल की इमरजेंसी सेवा को ठप नहीं किया गया था। हमारा मांग जो है 8 सूत्री मांग है जो बहुत दिनों से लंबित है, जो हमारे अप्रैल से मांग चल रही थी हमारे सरकार से, सरकार हमें हाँ भी कर रही है, आश्वासन भी दे रही है, लेकिन अभी तक एक भी कोई स्टेप नहीं लिया हमारे मांग को लेकर। हमेशा सरकार बोलती है कि हाँ आपकी मांग मांगी जाएगी, मांगे पूरी होगी, पर कोई 6 महीना से 7 महीना से हम लोग जा रहे हैं पटना में, हम अपने सचिव हेल्थ सचिव से मिल रहे हैं, राज्य सरकार से बात कर रहे हैं, पर परिणाम 0 मिल रहा है। तो हम लोगों ने बोला, राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया कि आज से हम लोग अनिश्चितकालीन। भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह और डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर टूर पर गए पार्षदों के मौज मस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही नगर निगम में सियासी हलचल तेज हो गई है। यह कयास लगाया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने सभी पार्षदों को मौज मस्ती के लिए नेपाल टूर पर भेजा गया है। आइए हम आपको दिखाते निगम के कुछ पार्षद कैसे बारवालाओं के साथ हाथ में शराब की बोतल लिए ठुमके लगा रहे हैं। फिल्मी गानों पर झूमते और बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए हाथ में शराब की बोतल लिए ये कोई फिल्मी कलाकार नहीं बल्कि भागलपुर के वार्ड पार्षद हैं। एक ओर जहां पूरा शहर डेंगू की मार झेल रहा है, वहीं ये वार्ड पार्षद शहर से कोसों दूर नेपाल के विजयनगर में शराब के साथ शबाब का लुत्फ उठा रहे हैं।
हैरानी की बात तो यह है कि इन पुरुष वार्ड पार्षदों के बीच शहर की महिला वार्ड पार्षद भी शामिल हैं और बार बालाओं पर पैसे लुटा रही हैं। दरअसल 25 सितंबर को भागलपुर नगर निगम में मेयर और उप मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है। लेकिन उससे पहले ही शहर के 2 दर्जन से अधिक वार्ड पार्षदों को नेपाल भेज दिया गया। अब आप समझ ही गए होंगे आखिर माजरा क्या है। आइए हम आपको दिखाते हैं बार बालाओं के साथ नेपाल में नाच रहे पार्षदों को लेकर भागलपुर नगर निगम के पार्षदों ने क्या कुछ कहा। हम लोगों ने आज सवेरे से देखा, समाचार पत्रों में देखा, न्यूज चैनल्स पे देखा, तो अच्छा तो नहीं लगा। ये कह सकते हैं व्यक्तिगत मामला किसी का हो सकता है, लेकिन चूंकि ये पार्षद नाम जुड़ा हुआ है इसलिए हम लोग को थोड़ा खराब लगा। हम लोग तो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, हम लोग अपने क्षेत्र में मुस्तैदी से हैं और आज भी हम लोग नगर एक्शन मिले। यह पूरा शहर अभी इससे दुखी है और सभी जितने पार्षद हैं, इसमें पार्षद कोई भी काम करे या इस तरह की घटना घटा है, लेकिन पार्षद सभी का नाम आता है। ये तो बहुत ही शर्मसार घटना है। मैंने भी मीडिया के माध्यम से ही ये जाना और अगर ऐसी घटना नेपाल में हुई है तो हम लोग भी इसके लिए शर्मिंदा है। और वैसे पार्षद तो आके मुंह भी दिखाने लायक नहीं रहेंगे जिन्होंने ऐसा काम किया। लोग यहाँ डेंगू से मर रहे हैं, बाढ़ से मर रहे हैं, पार्षद ऐस मौज कर रहे हैं, ये बहुत गंदी बात है। मैं इसका जोरदार शब्दों में विरोध करता हूँ और कड़े शब्दों में भर्त्सना कि करीब दो दर्जन पार्षद जो है नेपाल में उनको किसी एक होटल में बड़ा अश्लील हरकत करते हुए देखा गया है, जो निश्चय ही बहुत ही भागलपुर के लिए इससे ज़्यादा दुखद नहीं हो सकता है कि हमारे यहाँ के पार्षद जो है वो देश की गरिमा को पड़ोसी देश में जाके धूमिल कर रहे हैं और नीतीश कुमार की शराबबंदी जैसी जो उनकी नीतियाँ बनाई गई थी उसको पड़ोसी देश में उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं पार्षद। हाथ में दारू की बोतल लेकर और बार बालाओं के साथ डांस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा दुखद कुछ भी नहीं हो सकता है। भागलपुर शहर डेंगू की मार से प्रताड़ित है, महामारी की स्थिति हो गई है यहाँ पर डेंगू की, और हमारे पार्षद जिनको कि वार्ड का दिखाव के लिए जो है लोगों ने चुना था वो जाके पड़ोसी देश में दारू पीते हुए बार बालाओं के साथ डांस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा चिंतनीय विषय और इससे ज़्यादा खराब कुछ भी नहीं हो सकता है। हमारे देश की इज्जत को पड़ोसी देश में तार तार कर रहे हैं ये पार्षद। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर में डेंगू का कहर जारी है। मायागंज अस्पताल समेत शहर के निजी अस्पताल भी डेंगू के मरीजों से भर गए हैं। डेंगू के डंग से शहरवासी परेशान है। वहीं भागलपुर का ततारपुर थाना भी डेंगू से अछूता नहीं है। जानकारी के मुताबिक कई पुलिसकर्मियों को डेंगू ने अपना शिकार बना लिया है। शहर में फैली गंदगी को लेकर वार्ड नंबर 32 के पार्षद प्रसेनजीत कुमार उर्फ हंसल सिंह ने कहा कि वार्ड में डेंगू से बचाव को लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं
नगर निगम के पीआरओ सत्येंद्र वर्मा ने डेंगू को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात कही। देखिए निगम प्रशासन तो डेंगू के मामले में लाचार है बिल्कुल। ये जो है अस्पताल का भी काम है, अस्पताल अधीक्षक को भी केमिकल सप्लाई करनी है नगर निगम को, उसके बाद नगर निगम छिड़काव करेगी। वो उन्होंने परसों थोड़ा सा 1 लीटर करीब किया है तो छिड़काव हुआ है। मैं अपने वार्ड में लगातार तत्पर हूँ, कल भी मैंने फॉगिंग कराया, 3 दिन पहले भी फॉगिंग कराया और साफ सफाई भी आप व्यवस्था देख रहे हैं, मैं उसमें अव्वल रहता हूँ। हमारे वार्ड में ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन नगर निगम जो है नाकाम हो गया है डेंगू के रोकथाम में। भागलपुर नगर निगम की ओर से डेंगू के बचाव के लिए अनेकों उपाय किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग डेंगू से बचाव के लिए जो मेलाथियम नामक दवा होता है उसका हम लोग सिविल सर्जन से रिक्वेशन दे करके प्राप्त किए हैं और उसका जहां अधिक संख्या में डिटेक्ट हुए हैं मरीज डेंगू से 26 नंबर वार्ड उसमें हम लोग छिड़काव कराए हैं, 45 नंबर वार्ड में भी छिड़काव कराए हैं और आज भी उसका छिड़काव होगा। और लोगों में जन जागरूकता के लिए कि डेंगू से कैसे बच सकते हैं और उसके बारे में भी हम लोग फ्लैक्स डिफरेंट जो इम्पॉर्टेंट स्थल है नगर निगम क्षेत्र में, तिलका मांझी हो गया और डीएम कोठी का रोड हो गया, ये निहार चौक हो गया, अन्य जगहों पर हम लोग कार्यालय में भी कल से लग जाएगा और उसके लिए प्रचार प्रसार के लिए भी हम लोगों ने आज से गाड़ी निकाला है। भागलपुर के डीआरडीए सभागार में सोमवार को जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की। इस दौरान डीएम ने सभी विभाग के अधिकारियों से जिले में चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली और तय समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। डीएम ने जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को अलर्ट रहने की बात कही, साथ ही पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरण करने का निर्देश दिया। बैठक में डीडीसी सुनील कुमार, एडीएम राजेश झा राजा, सहायक जिलाधिकारी समेत कई विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सोमवार को भागलपुर के स्टेशन चौक स्थित होटल में ऑल इंडिया मजली से इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पटना से आए युवा अध्यक्ष आदिल हसन आजाद ने कई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई, साथ ही कार्यकर्ता से पार्टी के विस्तार को लेकर चर्चा की जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति मजबूत हो सके। कार्यक्रम का संचालन रेहान अशरफी ने किया। इस मौके पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसकी क़यादत बरिश्तर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, जो हर समुदाय और हर धर्म के लोगों को साथ लेकर और हर लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बिहार प्रदेश के जिम्मेदारान आए हुए हैं हमारे सरजमीन भागलपुर में और मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरजमीन भागलपुर में काम करना चाह रही है। भागलपुर के नूरपुर में युवा चेतना क्लब की ओर से महाकबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बालक वर्ग में आशादीप और भुआलपुर के बीच मैच खेला गया। वहीं बालिका वर्ग में गनोरा बादरपुर एवं भुआलपुर के बीच मैच खेला गया जिसमें गनोरा बादरपुर की टीम ने जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में बेस्ट रेडर भुआलपुर के साकेत एवं बेस्ट कैचर अखिलेश रहे, जबकि बालिका वर्ग में बेस्ट रेडर आस्था रानी और बेस्ट कैचर आकृति को चुना गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि झारखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के महानिदेशक जटा शंकर चौधरी एवं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान किया। मैच में रेफरी की भूमिका जितेंद्र कुमार जीतू एवं जितेंद्र मणि राकेश ने निभाई। भागलपुर के क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल में सीतो रियो कराटे मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में इंटर स्टेट कराटे कैंप में 150 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया जिसमें 50 छात्र छात्राओं ने ब्लैक बेल्ट की परीक्षा दी। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कराटे कला के माध्यम से एक से बढ़कर एक टॉप पेज दिखाए। कार्यक्रम में रमेश हरी रानी अनिल सोनी विकास शामिल हुए। सामाजिक सरोकार के तहत कार्य करने वाली संस्था जीवन जागृति सोसाइटी ने सोमवार को रेस्क्यू ऑपरेशन कर गंगा में डूब रहे प्रियांशु नामक छात्र को बचा लिया। दरअसल संटू वर्मा अपने परिवार के साथ गंगा स्नान करने गए, इसी बीच गंगा की तेज धार में उनका पुत्र डूबने लगा। वहीं मौके पर मौजूद सोसाइटी के सदस्यों ने बालक को बचा लिया। जीवन जागृति के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सोसाइटी के सदस्यों को गंगा घाटों पर सतर्क कर दिया गया है। वहीं संटू वर्मा ने सोसाइटी के कार्यों की जमकर की। बरारी घाट नहाने गया था मैं और मेरा परिवार था जी, और इतने में पानी तो कम ही में नहा रहा था लेकिन अचानक मेरा बेटा आगे बढ़ गया और उसका पैर पानी के रेत में खींचा गया। वो काफ़ी दूर आगे करीबन 10 फीट जब आगे चला गया मैं उसे बुला रहा था कि तुम आओ इधर, फिर मुझे एहसास हुआ कि वो तो पानी में डूब गया। तब वहाँ पे 4-5 लड़के थे, उन लोगों को मैंने आवाज़ दी। जब वो लोग आए तो वो लोग दौड़े उसको बचाने के लिए, तब तक मैं खुद भी
उसको बचाने के लिए आगे बढ़ गया। मैं तैरना नहीं जानता था, लेकिन मैं उसको बचाने आगे बढ़ गया। कला बिंदु की ओर से ऑनलाइन कला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिभागियों ने ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लिया। इस कॉन्टेस्ट में प्रथम चरण में कलाकारों द्वारा उसके कलाकृतियों को सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक द्वारा प्रमोट किया गया। चतुर्थ चरण में प्रत्येक कलाकार को कला बिंदु द्वारा आर्टिजन कार्ड, कलाकारों द्वारा अपने हुनर के आधार पर मेरिट ईक सर्टिफिकेट दिया गया। साथ ही 71 कलाकारों का प्रदर्शनी एवं कार्यशाला 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कहलगांव में मुखिया ने भाजपा नेता सह वार्ड सचिव की गोली मारकर की हत्या, घटना की जांच में जुटी पुलिस। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा, जिले के 14 प्रखंडों में घुसा बाढ़ का पानी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की मनाई गई 112वीं जयंती, पुष्प अर्पित कर किया नमन। आठ सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, स्वास्थ्य सेवा रही बाधित, मरीज रहे परेशान। और बार डांसर के साथ ठुमके लगाते वार्ड पार्षद का वीडियो हुआ वायरल, नगर निगम में राजनीति हुई तेज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।